बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, शीर खुरमा। आपने बनाया भी होगा, बनाते भी होंगे, लेकिन मैं आज अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। उसके लिए लिया है मैंने ये सेवियाँ, बारीक सेवियाँ। ये मैंने एक पैकेट ले लिया है, 140 ग्राम का एक पैकेट सेवियाँ। और इसमें जाएगी हसबे ज़ायका चीनी। ये मैं लौंगे डाल के रखती हूँ चीनी में अपने डब्बे में। और ये जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क, तकरीबन 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। 1 लीटर दूध जाएगा, दूध मैंने डाल के रखा हुआ है बॉटल में। और ये है फ्रेश क्रीम, दूध की मलाई, ये हम डालेंगे इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच। और घी हम डालेंगे इसमें, सेवियाँ फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और ड्राई फ्रूट्स इसमें जाएंगे, ये मैंने लिए हैं पिस्ते, 10-12 पिस्ते हैं, 10-12 बादाम हैं, और 1 खाने का चम्मच किशमिश है। और तकरीबन हम इसमें से छुहारे डालेंगे हसबे ज़रूरत, 4-5 देख के हम काट के इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी, आप फ्राई करके डालें या ऐसे डाल दें, मैं थोड़ा सा इनको ऑयल में या घी में फ्राई करके डालेंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा। खुरमे के लिए घी ले लिया मैंने 2 खाने के चम्मच। इसमें मैंने ये इलायची कूट कर डाल दी है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सेवियाँ, 1 पैकेट लिया है मैंने सेवियाँ डालकर। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ी सी फ्राई करके इसमें खुशबू आने लगेगी, फिर मैं इसमें डाल दूंगी दूध और चीनी। फ्राई हो रही है, फिर ना सेवियाँ भून गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध, तकरीबन 1 लीटर। दूध डाल दिया मैंने इसमें, एक बॉइल आ जाए तो फिर मैं अब ये किशमिश डाल दी मैंने इसमें और ये छुहारे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। बाकी जो बादाम पिसते हैं वो मैं थोड़े से गार्निश के लिए बचा के बाकी इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें किशमिश और छुहारे डाल दिए हैं, थोड़ा सा ये एक बॉइल आ जाए फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी को थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। कंडेंस मिल्क भी थोड़ा मीठा होता है, तो बल्कि मीठा ही होता है वो। अक्सर लोग तो अगर कंडेंस मिल्क डालें तो चीनी नहीं डालते, मैं भी इसी तरह थोड़ी सी चीनी को देख कर डालूँगी ताकि अगर कंडेंस मिल्क मुझे ऐड करना है तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए। बस ये पक रहा है, फिर मैं इसको दिखाती हूँ। फिर कुरमा पक रहा है, देखें। अब इसमें मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, ये खोए का भी काम देगा और चीनी का भी। 100 ग्राम्स कंडेंस मिल्क। पहले मैं कंडेंस मिल्क इसलिए डाल रही हूँ ताकि मुझे चीनी जब मैं टेस्ट करूँ मुझे पता चल जाए कि इसमें चीनी कितनी डालनी है।
मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड कर देते हैं, मैंने टेस्ट किया है, थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत है। मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच चीनी, 3 खाने के चम्मच चीनी। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लें, फिर इसको अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से गार्निश के लिए बचाकर बादाम और पिस्ते। बस ये हमारा शीर कोरमा रेडी है। इसका फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ, सिर्फ 2 मिनट और पका के ताकि बादाम और पिस्ते का फ्लेवर आ जाए। बस रेडी है हमारा शीर कोरमा। क्रीम डाल देंगे अब इसमें हम, मलाई, दूध वाली मलाई तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। ईद पर ज़रूर बनाइएगा, ईद स्पेशल शीर कोरमा रेडी है। ये मैंने इसमें मिक्स कर दी, अब इसका फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ, फिर इसको ढक दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह शीर कोरमा रेडी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये शीर कोरमा रेडी है। ये मैंने सिंगल सर्विंग में कर दी, थोड़ा सा बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर दिया। चांदी के बर्फ़ भी आप लगा सकते हैं, ओरिजिनल आजकल आ नहीं रहे इसलिए मेरा तो दिल बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इसमें यूज़ करूं। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।